हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओडिशा फूड ब्लॉग में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप आज मैं आपको ने एक न्यू एंड यूनिक रेसिपी आपको शेयर करने जा रही हूँ, पनीर राइस। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं कैसे बन रहा है। देखिए, ये मैंने 100-200 ग्राम पनीर, 150 या 200 ग्राम का करीब मैंने पनीर ले ली है। क्यूब साइज में मैंने काट ली है इसको। एक दो तीन चार हरी मिर्च ने दो पार्ट में भर करके ये रख दी है। ये अदरक लहसुन का चॉप है। ये मैंने एक मीडियम साइज का प्याज को चॉप करके रखा है। ये शिमला मिर्च है और ये हमारा है नमक, स्वाद अनुसार नमक, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। सो पहले हम पनीर को फ्राई करेंगे। इसमें सके रूट और नमक मिर्च डाल के मैं इसको फ्राई करेंगे। सो गाइस, देखिए ये मैंने कॉर्नफ्लोर एक चम्मच, एक टेबल स्पून टीस्पून दे दी है और मिर्च और नमक इसको मिक्स कर लेंगे। उसको थोड़ा कोट कर लेंगे ऐसे, फिर इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए गाइस, ये मैंने कोट कर लिया है। देखिए कोट करने के बाद हमारे पनीर नहीं चिपक रहा है, से अलग अलग हो गया है। अभी हम इसको देखिए, मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें तो टेबल स्पून ऑयल भी डाल दी है। अभी हम पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं तरह से हम हरे पनीर को ज़्यादा भी फ्राई डीप फ्राई नहीं करना है हमें, इतना ही फ्राई करेंगे। हमने फ्राई किए हैं इसी तरह से, हम सारे पनीर को फ्राई करेंगे। देखिए गाइस, हमारा पनीर फ्राई हो गया है। अभी हम उसी कढ़ाई पर ही बनाएंगे। हम उसमें डालेंगे थोड़ी सी जीरा, देख सकते हैं जो हमने अदरक लहसुन सब करके रखे थे उसको डालेंगे। हमने प्याज डाल दिया है, जो हरी मिर्च है उसको भी हम ऐड कर देंगे। हम इसको हम एक साथ हम कैप्सिकम भी इसमें ऐड कर देंगे। अभी हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा है अच्छी तरह से भून चुका है। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे ये सारे मसाले। मसाले को ऐड कर दिया है, देख सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे क्योंकि हमारा मसाला ना जले, अच्छी तरह से कुक हो जाए। हो गया है। अभी हम एक टेबल स्पून करी हम डालेंगे पाउडर केचप। हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें हम अभी ऐड कर देंगे चावल को। हमने चावल बना के रखी है और इसमें हम सारे चावल को ऐड कर देंगे। देखिए, हम सारे चावल को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। देखिए, उसमें जो हमारा हो गया है
अभी हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता, पहले दम राइस। अगर हम फ्लेम को बंद कर देंगे, अगर आप मेरे चैनल बने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मेरी वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। अब हम इसको ठंडा होने देंगे, थोड़ा हल्का सा ठंडा होने देंगे, फिर हम आपको प्लेट में लगा कर हम दिखाते हैं। अभी प्लेट में सर्व करते हैं। देखिए हमारा पनीर राइस रेडी है, दिखने में कितने यम्मी लग रहा है और इसका स्मेल भी यम्मी सा आ रहा है। अभी हम इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।